हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एमटी एक्सप्लेन। तो गाइस, बोर 2 से अपडेट सही मायने में अब बाहर आई है, बिकॉज मूवी 85% कंप्लीट हो चुकी है। 15% काम अभी रह गया है, जिसकी शूटिंग अब कंप्लीट होने के करीब है। बिकॉज बोर 2 को रिलीज होने में अब सिर्फ 4 मंथ ही बाकी रह गए हैं। अब तुम कहोगे कि 4 मंथ कैसे, मूवी तो अगस्त में आ रही है। बट अगस्त से 4 महीने पहले इसका कंटेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। देखो गाइस, 10 जनवरी को ऋतिक रोशन का बर्थडे है, तो उस दिन फर्स्ट मोशन पोस्टर हम लोगों को देखने को मिलने वाला है 100%। और गाइस, अभी 4 चीजें बची हुई हैं। पहला एक सॉन्ग है, दूसरा है क्लाइमैक्स सीक्वेंस, और तीसरा है पोस्ट क्रेडिट सीन। कहा जा रहा है कि पठान का एक वॉइस कैमियो है। इसके अलावा आलिया भट्ट के भी कुछ सीक्वेंस हैं, और उसके अलावा फिर अनिल कपूर के भी कुछ सीक्वेंस होने वाले हैं। ये प्रॉपर पुरानी मूवीज के इवेंट को फॉलो करते हुए आगे बढ़ेगी। सिर्फ पोस्टर में नहीं लिखा होगा कि इवेंट ऑफ वॉर, पठान और टाइगर 3। तो गाइस, आप कितना एक्साइटेड हो, अपनी राय मुझे कमेंट करके जरूर बताना। चलो अब बात करते हैं इसकी स्टोरी पर। तो मोटा मोटा अंदर से ये अपडेट आ रही है कि इसकी जो स्टोरी है वो 100% इस बार साइंस फिक्शन होने वाली है। कहा जा रहा है कि इस बार स्टोरी 100% सुपर सोल्जर वाली थीम पर बेस्ड होगी। दोस्तों, इसके साथ ही मैंने बहुत समय पहले तुम्हें पहले ही ये बताया था, अगर आप हमारे रेगुलर सब्सक्राइबर हो, कि भाई इसमें डॉक्टर का भी कुछ सीन है। यानी कि जो डॉक्टर वॉर में पकड़ी नहीं गई थी, जिसने भाई खालिद और फिरोज की प्लास्टिक सर्जरी की थी, तो उस प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर को भी इस मूवी में दिखाया जाएगा। और साथ ही दोस्तों, इसमें कुछ AI का भी सीक्वेंस होने वाला है। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं NTR इसमें कोई AI रोबोट या फिर AI एजेंट तो नहीं होने वाले हैं। गाइस, कहा जा रहा है कि NTR एक मैड रॉ एजेंट होने वाले हैं, जो किसी की भी नहीं सुनता, सिर्फ गाइस अपनी ही धुन पर चलता है। कहा जा रहा है कि उनका जो करेक्टर है वो बहुत ही गुस्से वाला करेक्टर है, यानी कि हंसता बोलता बहुत कम है, अपने काम से काम रखता है। और उसको एक मिशन दिया गया है कबीर को रोकने का। तो गाइस, कबीर ऐसा क्या करने वाला है कि NTR उसको रोकेंगे? और गाइस, NTR का इसमें बहुत ही तगड़ा नाम होने वाला है, जो मैं आपको नहीं बता सकता, बिकॉज स्ट्राइक आ जाएगा। देन अब बात करते हैं एक और सीक्वेंस पर, जो कि एक पास्ट सीक्वेंस होने वाला है, जहां पर मुझे ऐसा लगता है कि गाइस जिम और ऋतिक रोशन का एक पास्ट सीक्वेंस दिखाया जाएगा। और गाइस, इसमें ना आउटफिट एक्स को भी काफी डिटेलिंग में बताया जाएगा। तो ये जितने भी इवेंट हो चुके हैं वॉर में, पठान में, टाइगर 3 में, ये उन सबको फॉलो करते हुए जाएगी। और गाइस, जो ऋतिक रोशन का यंगर वर्जन है वो गाइस इसमें काफी ज्यादा अच्छा है। और कहा जा रहा है कि कियारा आडवाणी जो है वो आशुतोष राणा की बेटी के करेक्टर प्ले करेंगी। तुमने एक सीक्वेंस भी देखा होगा जिसका BTS इंस्टाग्राम पर बहुत ही ज्यादा है, ऋतिक रोशन जो जंप करते हैं और फिर कार में बैठकर निकलते हैं। गाइस, वो वही वाला सीक्वेंस है जो कि अयान मुखर्जी ने बहुत समय पहले शूट किया था विदेश में जाकर, जहां गाइस आप ग्रे कलर की हम्बर भी देख सकते हो। तो कहा जा रहा है कि ग्रे कलर की हम्बर में NTR है और ऋतिक उनका पीछा करने वाले हैं। तो गाइस, बहुत सारी डिटेल अब सामने आने लगी है। तो आपकी क्या राय है और आप कितना ज्यादा एक्साइटेड हो वॉर 2 के लिए, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। बाकी वीडियो अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और हमारे चैनल पर पहली बार आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।